इस वक्त बज चुके हैं 10:30 और सेकेंड राउंड जो है काउंटिंग का वो इख्तिताम पजीर हो गया है। ऐसे में अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लीडिंग में जो है वो आगा सईद रुहला महदी है जो कि 61 जिनके पास 61,812 वोट्स है। वही परा की बात करें तो उन्हें 27,667 वही अशरफ अहमद मीर जो कि पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं पीडीपी के कैंडिडेट सॉरी जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्हें 12,346 है। वही आमिर भट्ट की बात करें जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से है उन्हें 3,579 है। वही जहांगीर अहमद शेख की बात करें जो कि इंडिपेंडेंट है उन्हें 2745 है। वही अगर शबीन अशाई की बात करें तो उन्हें शिवान अशाई की बात करें तो उन्हें 2303 है। वही अगर देखा जाए तो जिब्रान डार की अगर बात करें जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे लोकसभा पार्लियामानी इलेक्शन में उन्हें 932 है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लीड जो है वो अगर रोहला कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स की अगर बात करें वहां पर भी सेम ऐसे ही रिपोर्ट थे और यहाँ अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसी दिशा में हम कह सकते हैं जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने 9 बजे की रिपोर्ट देखी जहाँ पर हमने देखा कि अगर रोहला मेहदी जो है वो लीड करते हैं उसके बाद वो फॉलो कर रहे हैं फॉलोड बाय वहीद परा है और तीसरे नंबर पे का बात की जाए तो तीसरे नंबर पे अशरफ अहमद मीर यानी कि अपनी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अशरफ अहमद मीर थे। वही अगर इस वक्त की रिपोर्ट करें 10:30 की रिपोर्ट करें तो बिल्कुल जो सेम लाइन पर चल रहे हैं वहीद परा रोहला मेहदी आगे है वहीद परा उसके बाद है उसके बाद अशरफ मीर है। ऐसे में हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोगों ने वोट लोग काफी ज्यादा खुशी से अपना वोट कास्ट करने के लिए निकले थे क्योंकि अगर देखा जाए तो 370 की मंसूखी के बाद पार्लियामानी इलेक्शंस बाद ये कश्मीर में देखने को मिले। ऐसे में हमने देखा कि लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी वोट्स को लेकर और आज उनके रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या पोलिटिकल पार्टीज की बात करें जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे यानी कि लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे उन्होंने कैंपेन्स के जरिए या रैलीज के जरिए या कन्वेंशंस के जरिए लोगों से खताब किया लोगों को वोट्स के रिलेटेड जो है अवेयरनेस दिखाई। वही अगर देखा जाए तो स्वीप ने भी बाजाब्ता अपना काम जो है अंजाम दिया। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार हमने देखा कि लोगों ने भी इस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जहां पर हमने देखा कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट हुआ। वही अगर देखा जाए तो अनंतनाग राजौरी की बात करें तो वहां पर भी लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर देखा जाए तो 9 बजे की रिपोर्ट में हमने देखा कि अनंतनाग राजौरी में एनसी से ही ताल्लुक रखने वाले मियां अल्ताफ लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम इस वक्त बिल्कुल मौजूद है एसकेआईसीसी के बाहर जहां पर अंदर काउंटिंग काउंटर्स लगे हुए हैं वोट्स को गिना जा रहा है और काफी सारी खुशी का माहौल जो है वो यहां पर बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया था उनमें कहीं ना कहीं डर भी है खौफ भी है क्या कुछ होने वाला है क्योंकि ऐसे में जीत जो है सिर्फ एक ही होगी और वो कौन जीतेगा क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ से आज डिसअपॉइंट होके कौन निकलेगा और जश्न मनाते हुए कौन जाएगा ऐसे में हमारी नजर जो है वो बिल्कुल एसकेआईसीसी अंदर जो काउंटिंग चल रही है उस पर है। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल इतना ही। मैं जरका शफी कैमरा पर्सन अर्शनाई।